एसटीएन दिगबावाड़ा सभी दर्शकों ने निशा की ओर से नमस्कार और अब खबर हाड़ौती सु। गणेश चतुर्थी को पर्व देश भर में श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कोटा में भी गणेश चतुर्थी पर्व भक्ता ने हर्षोल्लास के साथ मनाया। घर में ही बप्पा का भक्ता ने मूर्ति स्थापना कर पूजा अर्चना करी और कोरोना का चलता इस बार मंदिरा में भक्ता का ताई प्रवेश न दो गयो तो भक्ता ने मंदिरा के बारे ही डोक लगाई और कोरोना का जल्द खात्मा की प्रार्थना करी। उठी सुबह से ही भक्त भगवान गणेश की मूर्तियां खरीदवा का कारण दुकाना पर पुग्या तो वही भक्ता ने आसपास का मंदिरा में गणपति का दर्शन कर दन की शुरुआत करी। कोरोना का चलता इस बार शहर में गणपति का पांडाल भी न सजा गया तो भक्ता ने घर में ही बप्पा की स्थापना करी। कोटा का खड़ा गणेश जी मंदिर में भगवान का जन्म की झांकी सजाएगी तो वही विशेष श्रृंगार कर पूजा अर्चना करेगी। ये पहलो मौको छो जब भक्त बप्पा का दर्शन न कर पाया। उड़ी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गणेश चतुर्थी का अवसर पर विघ्न विनाशक प्रथम आराध्य देव गणपति की आराधना कर संपूर्ण विश्व का कल्याण की कामना की और कोरोना महामारी का अंत की प्रार्थना की। इस मौका पर स्पीकर बिरला ने की कर गणेश चतुर्थी पर सामाजिक समरसता व सद्भाव बढ़ावा को संकल्प दोहरावा। उठी बारा शहर में बढ़ता कोरोना संक्रमण का ताई देखता हुआ लॉकडाउन घोषित कर रही है जिसके चलता इस बार बप्पा का जन्मोत्सव फीको रियो। शहर का मंशापूर्ण गणेश मंदिर पर हर साल भारी संख्या में भक्ता की आवाजाही लागी रही है मगर इस बार कोरोना के कारण मंदिर में कई प्रकार का आयोजन न हो पाया। पुजारिया द्वारा मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग के लारा मंदिर में प्रवेश दियो जा रहे वही गणपति का भक्ता ने घर में ही गणपति की स्थापना कर पूजा अनुष्ठान करी। हर बार हम इस बार आते हैं, इस बार भी आए, भीड़ बहुत कम है, यहाँ दो दो आदमी करके अंदर लिए जा रहे हैं। तो भगवान सबको इस कष्ट से दूर रखे, कोरोना महामारी सबको कोरोना देश से पूरा देश से भगाएं। भीड़ लगती थी, सौ सौ आदमियों की लाइन लगी रहती थी, लेकिन आज की आवाज आज तारीख में आ गई थी, दो दो आदमी अंदर जा रहे हैं। बिल्कुल डिस्टिंग रखी जा रही है इसकी, हमें दो दो जनों को अंदर लाया जा रहा है। भक्तों की भीड़ लग रही है, इस वजह से कोरोना की वजह से दो दो जनों को लाया जा रहा है। पर जिस तरीके से अगले साल मनता था, हर साल मनता था, उस तरीके से नहीं मन पा रहा है। कोरोना की वजह से दो दो जनों की बुलाया जा रहा है, इस वजह से कोई भीड़ नहीं है, यहाँ पे पूरा पाबंद है। झलावाड़ में गणेश चतुर्थी से चतुर्दशी तक 10 दिन गणेश उत्सव को खास उत्साह रहे हुए, लेकिन ये बार कोरोना आपदा ने गणेश उत्सव का रंग फीका कर दिया। पर प्रथम पूजे गणेश का प्रति श्रद्धा में श्रद्धालु में कहीं भी कमी दिखाई न दी। हालांकि कोरोना आपदा के चलता ये बार बड़ा बड़ा पंडाल नजर न आ रहे थे, पर सभी श्रद्धालु अपना घर में नन्ना गणेश के ताई विराजमान कर आगामी 10 दिन तक पूजा अर्चना में जुटा रहेगा। झलावाड़ घर परिसर का श्री गणेश मंदिर पर गणेश चतुर्थी का अवसर पर सुबह से श्रद्धालु का तांतो लागी रहो। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग बनार श्रद्धालु ने भगवान लंबोदर का ढोक लगार परिवार कताई सुख समृद्धि की कामना करी। श्रद्धालु ने भगवान गजानन से ये बार कोरोना संकट से विश्व कताई मुक्ति दिलाबा की भी कामना करी। उठी टाइगर सिटी सवाई माधोपुर का रणथंभौर दुर्ग का त्रिनेत्र गणेश मंदिर में गणेश चतुर्थी पर रणभवर का लाडला भगवान त्रिनेत्र गणेश का जन्मोत्सव मनाया गयो। पहली बार अशुभ मौको आयो छो जब भक्त प्रिय देव गजानन का दर्शन न कर पाया। मंदिर में गजानन का जन्म की झांकी सजाएगी तो वही मंदिर ट्रस्ट की आड़ी से 3 दिन तय लागबा वालो लखी मेड़ो भी रद्द कर दियो गयो। कोरोना का ताई देखता हुआ मंदिर में श्रद्धालुओं को प्रवेश बंद रखाण्यो। मंदिर में पुजारियां और मंदिर ट्रस्ट का सदस्य ने त्रिनेत्र गणेश को जन्मोत्सव की झांकी सजाएगी और प्रातः मंगला आरती से पहली मंदिर कताई सैनिटाइज करोगे, उसके बाद मंगल आरती और श्रृंगार करोगे। श्रृंगार आरती के बाद भगवान को पंचामृत से स्नान कराएगी और सोना चांदी का वृक्ष भगवान को श्रृंगार करो। इस वर्ष गणेश चतुर्थी के अवसर पर कोरोना संक्रमण को देखते हुए राजस्थान सरकार एवं जिला प्रशासन की मेडिकल एडवाइजरी के अनुसार जो है गणेश जी का मेला स्थगित रखा गया एवं जो है श्रद्धालुओं को यात्रियों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई, लेकिन भगवान के जो जन्मोत्सव की जो पूजा है वो विधि विधान से हमारे परिवार द्वारा पुजारियों द्वारा जो है वो की गई और भगवान की मंगला आरती हुई, श्रृंगार आरती हुई। झलावाड़ जिला का असनावर में असनावर का नाला गांव में दो भाइयों के बीच हुआ झगड़ा में एक भाई की मौत हो गई। नाला गांव निवासी दुर्गा लाल सेरिया और मोतीलाल सेरिया गांव से डोंगर गांव कोई काम से गया था, वहां लौटते टेम दोनों ने दारू पी ली और दोनों रास्ता में लड़वा लग गया। लड़ता धोनी जैसा तसा घर आ गया, पर घर आता ही बड़ा भाई मोतीलाल ने झगड़ा की बात पत्नी से कह दी, जो भाई न सुन ली तो यह बात छोटा भाई कताई नागवार गुजरी और गुस्सा भाई ने लट सा बड़ा भाई कताई दिफाड़ी। मोतीलाल का माथा में लागे जिकते अस्पताल ले गया जाओ की मौत होगी। वारदात के बाद छोटो भाई फरार हो गयो। मोतीलाल की पत्नी ने हत्या को मामलो दर्ज कराया और पुलिस छोटा भाई की तलाश में जुटी। जो झगड़ता आया के मार पति ने फिर छोरो ला पड़े के बाद में फिर
हर राय यात्रा बोल कर माथा पे तेरी दुर्गा लाल तीन दुर्गा लाल छोटा बहन किस बात पे झगड़े थे जरा कहे के बात पे सर ने तो याद भी नहीं इनको काम कर बात चल शराब पी हुए थे हां तो ये शराब पी रहा की थी दयान 2002 सुंदर मिली थी मोतीलाल पुत्र देवलाल शेरिया जी दोराने लाल ऐसा जो फिल्म में मृत्यु हो गई है क्या रहा सर में झगड़ा किस बात पे होता है किसमें होता है दोनों सगे बता रहे हैं ये दोनों सगे भाई थे मोतीलाल और दुर्गालाल ये दोनों कल कोई किराने का सामान लेने गए थे डुगरगांव गए थे अच्छा डुगरगांव गए थे वहाँ से आते समय इन्होंने रास्ते में दोनों ने शराब पी ली शराब के नशे में ये रास्ते में लड़ते झगड़ते शाम को 8 बजे करीब नाला अपने घर आ गए घर आकर मृतक मोतीलाल ने कहा कि भाई मेरे को मारपीट कर रहा है तो वो उसकी पत्नी को साथ लेकर वहाँ से जाने लगे तो उसका भाई पीछे से आया दुर्गालाल पीछे से आया उसने प्राणी की सिर में मारी जिससे उसके चोट लगी चोट लगने के कारण उसको हॉस्पिटल ऐसा जिले का है दौरान ऐसा उसकी मृत्यु कोरोना अब मोटियारा की भी जान ले रही है शनिवार तड़का विद्यानगर की 40 साल की महिला कोरोना से मर गई मृतका की कोरोना रिपोर्ट में उसके बाद वह पॉजिटिव आई थी जाना मलार कोटा में मरवावाड़ा को आंकड़ो 78 हो गयो महिला कताए मृत हालत में अस्पताल ले गया जिकी जांच करेगी तो उसकी धड़कना बंद थी जिसके बाद डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दियो महिला को कोरोना सैंपल ले गयो जो पॉजिटिव खड़ियो छे इसके बाद अस्पताल में हड़कंप मच गयो कोरोना वायरस लगातार कहर ढा रहे शनिवार तड़का मेडिकल कॉलेज साइड रिपोर्ट में 79 नवा संक्रमित मरीजा को पता चलो जाना मलार संक्रमित मरीजा को आंकड़ो 4488 हो गयो जहां सर्वाधिक मरीज कनवास का बालूहेड़ा में मिले छे यहाँ 11 मरीजा को पता चलो छो वही गड्डापाण पलायता बल्लभबाड़ी जैन मंदिर कसोड़ा अर्दाबाड़ी में 3-3 मरीज मिले छे तो गणेश तालाब तलवंडी लाडपुरा खाराकुआ बोरखेड़ा हनुमान बस्ती रिद्धि सिद्ध नगर में 2-2 संक्रमित के लारा 4 दर्जन इलाका में पॉजिटिव मरीजा को पता चालू छे ये मरीजा में 1 साल से लेर 75 साल तक की औरता और पुरुष भी शामिल छे उठी बूंदी में 1 और 12 में 6 और सवाई माधोपुर में 7 मरीज मिले छे सड़क हादसा में घायल होया तलाई मोहल्ला निवासी एक जना ने एम्बुलेंस में उपचार के दौरान दम तोड़ दियो हादसा सुल्तानपुर का बोरा रोड पर 19,000 नाड़ा का घुमाव पहुंचो घायल कथा अस्पताल में भर्ती करवाया गया जिन्हें देर रात इलाज के दौरान दम तोड़ दियो मृतक को शनिवार ने पोस्टमार्टम करार छे घर वाला कथा दे दियो पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी छे मैं अरुण सिंह हेड कॉन्स्टेबल थाना सुल्तानपुर से और एमबीएस सचकोटा से फोन गया था कि मृतक रूपचंद की मृत्यु हो गई है दौरान इलाज इनका सड़क दुर्घटना में एक्सीडेंट हुआ था एक्सीडेंट में सिर में पीछे की तरफ गंभीर चोट आने से मामला फिर भी पोस्टमार्टम करवाया जाएगा अभी मैं तहरीर एमओ साहब को देने जा रहा हूँ सवाईमाधोपुर में चोर घरा का बारह खड़ी मोटरसाइकिल टायर चुला ले जा रहा है टायर चोरी की घटना से पुलिस भी आश्चर्यचकित छ ताजो मामलो पुराना शहर को जहाँ हरसाई जी का कटला में पोखरे हनुमान मंदिर का सोड़ा घर का बारह खड़ी बाइक को पाछलो टायर चोर खोल कर ले गया इससे पहली चोरा ने डूंगरपाड़ा से एक मोटरसाइकिल को टायर चोरी करो पीड़ित बाइक को मालिक संजय मित्तल ने कोतवाल थाना में शिकायत दी छ बरसात को मौसम चल रो चालता शहर की नरी संस्था आगे आर पौधारोपण करी छे पौधारोपण कर शहर का ताई हरियो भरियो बनावा में जुट रही छे एक कड़ी में शनिवार न कृष्णा विहार रंगबाड़ी का एक स्कूल में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की आरडी से पौधारोपण करो गयो जहाँ पैनल अधिवक्ता ज्योति गोड़ ने पौधो रोपियो गोड़ ने की कि एक पौधो प्रत्येक व्यक्ति का ताई हर साल लगानी चाहिए और उसका बड़ा होबा का ताई उसकी देखभाल भी करनी चाहिए हरियाली ही पृथ्वी का ताई ग्लोबल वार्मिंग से बचा सके छे ये मौका पर प्रिंसिपल शौकत अली भी मौजूद रहा बारा जिला में आमजन का जीवन कथाएं सुरक्षित रखबा व कोरोना नियंत्रण और जागरूकता का कारण प्रचार वाहन पर माइकंग का माध्यम से कोरोना संदेश को प्रचार प्रसार कर जा रहा है यह अवसर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संपत राज नागर द्वारा हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ कथाएं स्वास्थ्य भवन से रवाना करो डॉक्टर संपत राज नागर ने बताया कि बारा शहर का शहरी क्षेत्र में वार्ड व गलिया में कच्ची बस्तियां में आमजन ताई कोरोना नियंत्रण का कारण प्रचार वाहन माध्यम से कोरोना कथाएं बचाव एवं नियंत्रण का संदेश का प्रचार प्रसार कर जा रहा है
ऊटी कलेक्टर राव ने की कोरोना आपदा के तहत जिला में वृद्ध जन गर्भवती महिला व बच्चा के तहत स्वास्थ्य का रक्षण हेतु विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिसके तहत पीरामल फाउंडेशन का सहयोग से वरिष्ठ नागरिक के तहत विगत 2 माह से सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान चला रहा, वहाँ आवश्यक सहयोग व सेवाएं प्रदान की जा रही है। उन्होंने बतायो कि उक्त अभियान के तहत जिला का समस्त ब्लॉका में 1500 से अधिक युवा वेंटिलेटर का स्वैच्छिक सेवा प्रदान करता हुआ वरिष्ठ नागरिक के तहत दूरभाष का माध्यम से घर घर जाकर संपर्क कर गयो। दौरान वरिष्ठ नागरिक की पेंशन, राशन, दवा, स्वास्थ्य चेकअप आदि का संबंधित समस्या की जानकारी ले जिला प्रशासन द्वारा वहां की सहायता प्रदान करता हुआ समस्या को निस्तारण करेगी। साथ ही वृद्ध जनों को मास्क लगावा, अनावश्यक रूप से घर से बाहर न खड़वा एवं स्वच्छता व सैनिटाइज का संबंध में जागरूक करेगी। प्रोग्राम चलाया हमने सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी, उसमें हमारी पूरी टीम बनाई और हमने पूरे अधिकारियों के साथ चर्चा की, उसका एक नया रूप बन के आया। और मुझे बताते हैं खुशी की जो 12 जिले से ये प्रोग्राम चला वो इंडिया के 118 जिलों में उसने फिर बाद में अपनी स्थान बनाया। और आज अंतर्राष्ट्रीय सीनियर सिटीजन डे के दिन हम लोग इन्हीं बुजुर्गों को बुला के इनका मान सम्मान कर रहे हैं और इनको सबको वापस पुनः रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और इस कोरोना पीरियड में अनावश्यक बाहर में निकल दीजिए। हमारी जो टीम है, हमारे वॉलंटियर आपकी सारी मांगें आपके घर बैठे पूर्ण करें। अपनी हाड़ती में ये छह वार्ता की खबर, अब दीजो निशाना विदा। नमस्कार।